गाइस अभी मैं आया था घूमने और गेस व्हाट, हमें यहाँ पे कौन कौन मिला है भाई। यहाँ मेरे को मिले हैं लोकेश गेमर भाई, एएस गेमिंग भाई और एल्विश यादव। अभी मैं आपसे उनको मिलाऊंगा। वैसे काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, बट ट्राई करूंगा जितनी फोटो है वीडियो में क्लिक करा पाऊँ तो मैं दिखाता हूँ आपको। भाई यहाँ मिलो भाई से, एल्विश यादव भाई आए हुए हैं। भाई उसमें है एएस गेमिंग भाई और इसमें है दूसरे भाई। एक बार रोर करवा दो इसको। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी काफी अच्छा। सो गाइस, यहाँ से मैंने अपना नॉर्मल व्लॉग स्टार्ट किया था, जैसे मैं अपना डेली व्लॉग करता हूँ, मतलब जो भी रेगुलर व्लॉग्स करता हूँ। बट मुझे नहीं पता था रात को मेरे साथ क्या होने वाला है, मतलब कि मैं आज की वीडियो में अचानक से किससे मिलने वाला हूँ, इस टाइम मेरे को नहीं पता था। और ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो चलो अब मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो गाइस, ऑब्वियसली बात है ये वाली वीडियो जो है वो मैं थोड़ा सा बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबको प्रॉपर अपना स्टोरी टेलिंग अच्छे से बताने के लिए। मैं तो अपना नॉर्मल व्लॉग शुरू कर रहा था, आपने इससे पहले वाली क्लिप में देखा होगा। बट जैसे ही मैं रात को अपने ऑफिस के वहां गया, एक मैंने अपनी वीडियो बनाई थी व्लॉग इन पब्लिक, क्यूट गर्ल रिएक्शन ऑन माई व्लॉग, व्लॉग इन पब्लिक ऐसे करके एक है। तो वहां पे मैंने प्रॉपर 32 माइल्स जोन एक जगह है मेरे ऑफिस के पास नियर बाय गुड़गांव में, तो वहां पे तो मैंने क्या किया, मैं जब अपने ऑफिस से 32 माइल्स जोन की ओर जा रहा था तो मैंने देखा वहां पे मेरे को तीन तीन बड़े यूट्यूबर मिले। उन यूट्यूबर्स में से सबसे पहला नाम था एल्विश यादव, जिनके काफी ज्यादा फॉलोअर है, काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो वो मेरे को मिले थे। सेकेंड नंबर पे मेरे को मिले थे एएस गेमिंग, वो भी काफी बड़े यूट्यूबर है, मेनली वो गेमिंग करते थे इसलिए उनके चैनल का नाम गेमिंग है। अब वो व्लॉग भी करते हैं काफी टाइम से, उनके उसमें भी काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। और थर्ड पर्सन जो मैं मिले थे वो है लोकेश गेमर, और भाई उनके व्लॉग तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छे व्लॉग बनाते हैं वो। एक्चुअली मैं 32 माइलस्टोन में जा रहा था, वहां मैंने देखा कि लगी हुई है, दो चार बंदे आपस में खड़े थे, मेरे को लगा पता नहीं कौन है। तो जब मैंने दूर से देखा तो मेरे को लग तो रहा था कोई देखा वो पर्सन है, जब मैं थोड़ा सा पास गया तो मैंने देखा, मैंने कहा तो एल्विश यादव ब्रो है। और फिर मैं वहां गया उनके साथ मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाया, पर उनके साथ मैंने फोटो खिंचवा ली थी। और फिर उसके बाद हमें मिले थे लोकेश गेमर और उनके साथ मैंने वीडियो भी बनाई थी। फिर एएस गेमिंग भाई से तो बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं हो पाया मेरा, बट मैंने उनको देख लिया था। और अब आप वीडियो देखो, और वीडियो को क्वालिटी मैंने कोशिश करी आपको मैक्सिमम मैं एडिट करके निकाल दूं, क्योंकि वहां पे बहुत अंधेरा था और भाई एक्साइटमेंट में अपने फोन का ना फ्लैश भी ऑन करना भूल गया था। तो जो बनी है ऐसी बनी है, जो वहां पे लाइटिंग जो भी वहां पे प्रेजेंट थी उस टाइम पे उसी से बन गई है, और एडिट पे मैंने काफी सही कर दिया। तो चलो अब करते हैं वीडियो को। तो गाइस अभी मैं आया था घूमने अपने ऑफिस के पास ही 32 माइलस्टोन, जहाँ पे आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा। और गेस व्हाट, हमें यहाँ पे कौन कौन मिला है भाई। यहाँ मेरे को मिले हैं लोकेश गेमर भाई, एएस गेमिंग भाई और एल्विश यादव। अभी मैं आपसे उनको मिलाऊंगा। वैसे काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, बट ट्राई करूंगा जितनी फोटो है वीडियो में क्लिक करा पाऊँ तो मैं दिखाता हूँ आपको। भाई उसमें है एएस गेमिंग भाई और इसमें है दूसरे भाई, फिलहाल मैं इनका नाम भूल चुका हूँ तो सॉरी फॉर दैट। भाई यहाँ मिलो भाई से, एल्विश यादव भाई आए हुए हैं।
यहाँ पे ज़्यादा वो कलर नहीं आएगा, तो भाई देखो हमें कौन मिले हैं, और अभी फिलहाल ज़्यादा लाइट नहीं आ रही है कोई ना कोई है, तभी भी समझ में आ रहा है तो हाँ। तो भाई मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ वैसे, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, मैं गेम का तो नहीं बनाता वैसे, आज गेम ही खेलता हूँ पूरा। और वहाँ पे भाई भी देखे अनमिश भाई था, और वो नहीं आएगा बाबू, ये नहीं आएगा भाई, वो शायद अभी यूके में अभी आए नहीं वहाँ पे। हाँ ओके, तो भाई थैंक यू यार सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा मैंने एलविश भाई और पीछे गाड़ियों में आवाज़ आ रही है, मैंने कहा अपने भाई हो। चलो यार थैंक यू, एक बार और करवा दो इसको। तो भाई ये जा रही है एस गेमिंग भाई, तो यार हम तो ऐसे ही जा रहे थे बट भाई मिल गए, तो जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में, तो आया होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था कि मेरे को उनसे मिलना हो, मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं तो बस नॉर्मल हम तो वहाँ जा रहे थे और मुझे पता चला वो आए हुए, तो मैंने कहा चलो यार वीडियो बना लेता हूँ, तो आपने देख लिया वीडियो में। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना आपको जो मेरा ये स्टोरी टेलिंग था जो कि मैंने थोड़ा सा ट्राई किया बताना वो कैसा लगा, और बस सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया तो, और अगर आप इन तीनों यूट्यूबर्स में से किसी को जानते हो तो प्लीज़ उनको टैग कर देना। लेट्स सी अगर हमारी वीडियो नहीं पहुँचेगी, यार मेरा तो बहुत छोटा चैनल है, बट अगर आप टैग कर सकते हो तो कर देना उनके इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी, थोड़ा सा मैंने स्टोरी टेलिंग ट्राई किया है फर्स्ट टाइम, और अभी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है स्टोरी टेलिंग की, तो मेरे को बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा। और यार जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं ट्राई करता रहता हूँ अपनी एडिटिंग स्किल्स वगैरह इम्प्रूव करने की। सो दिस इज़ द वीडियो फ्रॉम वन ऑफ देम, कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट करते हो तो मेरे को लगता है कोई देख रहा है और अच्छी लग रही है, नहीं तो मेरे को लगता है यार, क्योंकि व्यूज़ तो ऐसा है ना, अगर कोई क्लिक करके हटा देगा तो व्यूज़ इट विल बी काउंट एज वन व्यू, बट इफ़ यू कॉमेंट डाउन बिलो सो आई विल गेट टू नो दैट येस पीपल आर लाइकिंग माई वीडियो, सो कॉमेंट कर देना। सो गाइस आई होप आपको इसकी आँख इसी टाइम लग गया था तो इसको।